और ये लीजिए हमारी पपाया की टूटी फ्रूटी बन के रेडी है। और गाइस आप देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इसको हमने घर में बनाया है और वो भी बहुत ही आसानी से। और ये पपाया से बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ऐसी ही अनूठी अनूठी वीडियो आपकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं, इसका हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। जी हाँ गाइस, बहुत सही सुना आपने, टूटी फ्रूटी बनाएंगे पपाया से। तो यहाँ पे मैंने दो कच्चे पपीते लिए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पीलर से हम पील कर लेंगे, इस तरह से मैंने पील कर लिया है। अब क्या करना है, इसका ये जो पोर्शन है ऊपर का, ये पोर्शन भी हम काट कट कर देंगे। ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों का पोर्शन हम ऐसे कट कर देंगे, नाइफ की हेल्प से बीच से कट करेंगे इसको। और ये देखिए, इसके बाद आपको जो ये बीज दिखाई दे रहा है इसको हम क्लीन कर लेते हैं, कट लगाएंगे बीज से ये। और ये जो पोर्शन है इसका, ये हम निकाल देंगे, इस तरह से क्लीन कर देंगे इसको। जैसे टूटी फ्रूटी होती है बस सेम ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे, ऐसे रहती है, बस ऐसे ही हमें सारे इसको कट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे सारे पपीते कट कर लिए हैं, साइज में आपको दिखाऊं, इस साइज से जैसे टूटी फ्रूटी होती है सेम उसी तरह कट कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था और पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। गाइस पानी का अच्छे से बॉयल होना बहुत जरूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो ओनली 2 पिंच, इतना ज्यादा नहीं। पपाया हम इसमें डाल देंगे, 2 मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे। पूरा कुक हमें नहीं करना है, इसको सिर्फ हाफ कुक करना है, यानी कि ये आधा पका होना चाहिए। आपको दिखाऊं, ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, तो तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए टूट जा रहा है, बस इतना ही कुक करना है, इससे ज्यादा कुक हमें नहीं करना है। इनको बंद करके इसको हम ड्रेन कर देंगे। ये देखिए मैंने ड्रेन कर लिया है इसको, और अलग रख देंगे इसको। यहाँ पे मैंने भगोना रख लिया है, मैं 2 बाउल शुगर डालूंगी और इसी बाउल से हम 3 बाउल इसमें पानी डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और शुगर को हम मेल्ट होने देंगे। शुगर मेल्ट हो चुकी है, फ्लेम हाई टू लो कर देंगे और ये जो पपाया था उसको इसी समय पे डाल देंगे। मेल्ट होने का ही हमें वेट करना था इसका। हमने शुगर सिरप बनाया इसका, अब इसी में इसको हम कुक होने देंगे। ये कुक हो गया है, आपको दिख रहा होगा कि जो हमने पपाया डाला था वो चाशनी के नीचे पहुंच गया है और चाशनी भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है इसकी। आइए चेक कर लेते हैं कि एक तार की चाशनी हुई या नहीं। ये देखिए ठीक है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। डाल देते हैं वर्नीला एसेंस, तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून वर्नीला एसेंस का यूज कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया है 4 बाउल, इसमें हम डिवाइड करके डालेंगे इसको। एक एक कलछुल हम पहले डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा फूड कलर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं येलो कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। यहाँ पे हम डालेंगे ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर हो गया। मैं डाल रही हूँ ग्रीन फ्रूट कलर, इसमें मैं डाल रही हूँ रेड फ्रूट कलर। इसको रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट के लिए, जिससे ये अच्छे से कलर को एब्जॉर्ब कर ले। और ये देखिए 7-8 घंटे बाद भिगोने के बाद ये अच्छे से चेरी हमारी फूल गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इस तरह की जाली ले ली है, ये देख सकते हैं आप, छन्नी की जाली है। ये जाली ले लेंगे और इस तरह का प्लेट ले लेंगे। अगर आपके पास बड़ी जाली हो तो आप बड़ी जाली ले सकते हैं। देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है, ये देखिए। तो इसका जूस निकालना हमें, तो जूस निकालने के लिए ये चलनी है, इसी चलनी पे हम इसको रख देंगे ऐसे करके। इसी तरह से हम ऑरेंज वाली भी डाल देते हैं इसमें। ये यहाँ पे मैंने दूसरी जाली भी ले ली है, अब इस जाली में मैं हरा और पीला वाला डालूंगी। ये हरी और पीली हो गई आपके, और ये यहाँ पे ऑरेंज और रेड रहने देंगे जब तक कि इसका जूस निकल नहीं जाता। चेरी यहाँ पे सूख गई है, मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था
और आप देख सकते हैं ये ओवरनाइट में कितनी अच्छी तरह से ये चेरी हमारी बनके रेडी हो गई है। आइए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारी टूटी फ्रूटी बनके रेडी है। आपको हाथ में भी लेके दिखाती हूँ, ये देखिए लग रही है ना कि हमने बिल्कुल इसको मार्केट से खरीदा है। अब इसको हम सारी टूटी फ्रूटी आप मिक्स करके भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। मैं सारी टूटी फ्रूटी एक में ही मिक्स करके रख दे रही हूँ। बहुत ही टेस्टी गाइस बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है, तो आप भी अपने घर में इसको जरूर ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।